नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों आज हम बोड़ा आलू को सब्जी बनाएंगे। तो देखिए, एक पाव बोड़ा है, इसे हम धो के रख लिया है और दो आलू है। सबसे पहले हम चाकू ले लेते हैं और बोड़ा के हम काट लेते हैं, इसके हम निकाल देते हैं बोरे का, घोड़ा के हम काट लेते हैं। तो देखिए, घोड़ा हम इसी तरह से सब घोड़ा के काट लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए, घोड़ा हम सब काट के रख लिया है। तो आलू के हम छील के काट लेते हैं। तो आलू के हम काट लेते हैं। इसी तरह से हम आलू सब काट के रख लेते हैं। तो देखिए, आलू हम काट लिया है। कढ़ाई जला लेते हैं। अब कढ़ाई हम भर देते हैं, तेल हम डाल देते हैं सरसों को। तेल गरम हो गया है, नीम डाल देते हैं हम, जीरा डाल देते हैं। तो जीरा चिटक रहा है, अब हम डाल देते हैं लहसुन। कटा हुआ मिर्चा हरा डाल देते हैं। तो देखिए, मिर्चा और लहसुन लाल हो गया है थोड़ा सा। अब कटी हुई आलू हम जो काट के रखे थे, इसके हम डाल देते हैं। आलू को हम भाग देते हैं दो तीन मिनट के लिए, दम जल्दी कर। 3 मिनट हो गया है, अब उबाल लेते हैं आलू को, देख लेते हैं। इसमें हम बोड़ा डाल देते हैं। इसे अच्छा से हम चला लेते हैं। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं। इसे अच्छा से हम चलाई भी देते हैं और अच्छा से चला लिया है। और इसे हम भाग देते हैं। सब्जी को हम घाल के देख लेते हैं। इसे चला देते हैं, अच्छा से पलट देते हैं। तो आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्चा डाल देते हैं। थोड़ा सा आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल देते हैं। ये मसाले के हम अच्छा से मिला लेते हैं। हम सब्जी के ढाक के 5 मिनट तक पकाएंगे। आर के हम बेल लेते हैं सब्जी के, इसे चला देते हैं। मैंने सब्जी अंदर से भरे में। तो आलू के हम देख लेते हैं। आलू अभी नहीं कटी है, थोड़ा बाकी है, तो इसे हम ढाक देते हैं। इसे ढाक के 5 मिनट तक हम और पकाएंगे। सब्जी को हम देख लेते हैं। तो सब्जी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आलू पक गई है ना। थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाल देते हैं हरा।
से बढ़िया से मिला लेते हैं बाटी की। अगर इसके हम बंद कर देते हैं, ये बोरा का अब आलू का सूखी सब्जी हमारा बन गई है और इसी तरह से बनाएंगे तो खाने में बहुत स्वादी बहुत टेस्टी रहे। तो एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए बोरा है वो आलू का सूखी सब्जी बन तैयार हो गया है और इसी तरह से बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी रहे बहुत स्वाद रहे। तो आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, आप टिफिन में भी ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।